हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, अज आप जो बाय मंथली सिलेबस है अप्रैल और मई का, ठीक है, इंग्लिश का, वह आप एक बार डिस्कस कर लेंगे। ध्यान के नाल सुनो तो अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लियो, ठीक है। हाँ जी, सब तो पहला देखो थोड़ी बुक का नाम की है। इंग्लिश की बुक का नाम है माई इंग्लिश कंपेनियन, यही है ना। तो अप्रैल के मई के आपको किन्ने चैप्टर आने? थ्री। लैसन नंबर वन, लैसन नंबर टू, लैसन नंबर थ्री। फर्स्ट है द फार्म हाउस काउज, सैकेंड नंबर पर अपनी पोएम है द फरी फ्रेंड, थर्ड नंबर पर अपना है द लेक ऑफ द मून लैसन है, ठीक है। सो तिन्नी चैप्टर्स है अपने, तिना के याद करोगे। पहला तो सारिया के वर्ड मीनिंग याद कर लियो, सारिया के क्वेश्चन आंसर याद कर लियो, सारिया के जो ग्रामर दसरसाइज है वह कर लियो, ठीक है। इस तो इलावा अगे देखो है ना, तो नाल है अपनी ट्रांसलेशन बुक के लास्ट के ट्रांसलेशन दी हुई है ना, वो फस्ट जे 12 सेंटेंसिज आ वन तो लैके 12 तक तुम वो याद करने, ठीक है। उस तो बाद आ गई अपनी ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये थानू सब तो पहला है नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर। आपां नूं अलग तो कोई भी ग्रामर की बुक नहीं लगी हुई, जिहड़े थानू लैसन दिंदे आ ना, तिन्नी लैसन दे विच ही ग्रामर के टॉपिक्स दिते हुए आ, ठीक है। सो ग्रामर दे विच नाउन वाला टॉपिक हैगा, उस तों बाद नाउन नंबर और जेंडर, ये भी है नाउन नंबर नाउन जेंडर। उस तों बाद हैगी वर्ड्स, ठीक है। ये 124 पेज नंबर ते 125 पेज नंबर जो बुक का हैगा उत्थों तुसीं याद कर लैणा। उस तो बाद अपने आ गए एनीमल साउंडस, ये अपन लैसन नंबर वन च दिते हुए ना, एनीमल साउंडस जिस लायन का रोड्स दिते हुए ना, काउस मूज वो वाले तुम लर्न कर लो, टिक कर लो। उस तो बाद है अपना लैटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द ब्यूटिफुल गिफ्ट ही हैज सेंट टू यू, एक अपन लैटर है तो यह भी तुम टिक कर लियो, ये आप याद करनी है। उस तो बाद आ गए थोड़े कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पता की होंगे? कॉम्प्रीहेंशन तुहानू पेपर दे विच एक पैरा दिता होएगा, एक पैसेज दिता होएगा, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दिते होंगे, आंसर या ऑप्शन दिती होंगी, उस पैसेज के अकॉर्डिंग तुसी पढ़ के जिहड़ा ऑप्शन सही है उन्हें तुसी टिक करना, ठीक है। या तो यह हो सकता सिंपल पैसेज, जां फिर हो सकता एक पोस्टर दिता होगा, एक पिक्चर दिती होएगी, पिक्चर के सारी इनफोरमेशन दिती होएगी, ठीक है। तो उस इनफोरमेशन के बेस के थले क्वेश्चन पूछे होंगे, आंसर भी दिते होंगे, आंसर ऑप्शन दिते होंगे, तुसी उस पोस्टर के अकॉर्डिंग जिहड़ा आंसर सही है उन्हें तुसी टिक करना, ठीक है। जाए हो सकता ये, जां फिर हो सकते हैं डायलॉग बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन। डायलॉग का मतलब होंगे दो जने का अगर नाम लिखा हो सामने वो की गल कर रहे वो लिखी होगी, कॉन्वर्सेशन होगी आपस के उन्होंने गलबात, ठीक है। वो बेसिस से क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, ऑप्शन दिखाई होंगे, जो ऑप्शन सही है उन्होंने तुम्हें टिक करना, वो बेसिस से हो गए थोड़े कॉम्प्रीहेंशन के पैसे। सारे क्लीयर हो गए सिलेबस है, वो तुम हम सारा ध्यान अपना रिविजन